नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र। आज आपके बीच उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विसेज, जगह जगह जो है वो ठगी का माहौल, कम नापतौल, इन सब संकटों से जब ग्राहक घिर गया है, ऐसी स्थिति में ग्राहक को संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इसके फलस्वरूप ग्राहक आज आप देखिए तो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो गई है कि उसके साथ न्याय होगा। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जमाखोरी आदि, कालाबाजारी और मिलावट आदि, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राजनीतिक संगठन प्राप्त संरक्षण प्राप्त है, और चूंकि संगठित नहीं है ग्राहक, इसलिए हर जगह उनको ठगी जैसा माहौल देखने को मिलता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा और स्वयं को संरक्षित करना होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन को दिशा जो है 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन जो कि मुंबई में स्थापित करके की गई, और इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत शहरों में स्थापित की गई। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई, और अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा और 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पहल पर एक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद ये देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। इस अधिनियम में बाद में जाके 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक सरल सुगम अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दंड तथा धारा 25 के तहत जो भी इस तरह की लापरवाही कर रहा है उपभोक्ता के साथ, उसका कुर्की का भी प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अगर अनुसार हम देखें कि जो व्यक्ति को सुविधाएं दी गई हैं, संरक्षण प्राप्त है, उसमें अगर कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसा सामान सेवाओं का प्रयोग करने वाला भी उपभोक्ता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही होता है। उपभोक्ता के अगर अधिकार की बात करें तो उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो कि जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सके, उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार उपभोक्ता को मिलना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। तीसरा, इसमें अगर हम देखें तो जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासित होने का भी अधिकार है इनको मिलना चाहिए। सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार की उचित मंचों पर उपभोक्ता हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होता है इस अधिनियम के तहत। अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियां या उपभोक्ता के अनैतिक शोषण के विरुद्ध भी उपभोक्ता संरक्षण ने सुनवाई का अधिकार दिया है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी इसमें व्याप्त है। शिकायतें क्या क्या हो सकती हैं उपभोक्ता द्वारा? किसी व्यापारी द्वारा अनुचित या प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आपको कोई हानि होती है या किसी संपत्ति की नुकसान होती है, क्षति होती है, अथवा जो आप सामान खरीद रहे हैं यदि उसमें कोई खराबी या फिर कोई वस्तु आप मान लीजिए रेंटल लिए हुए हैं, किराए पर लिए हुए हैं, या उपभोग की गई सेवाओं में आप किसी भी तरह की कमी पाते हैं, या फिर विक्रेता ने जो भी आपसे मूल्य दिखा के
अथवा कानून के तहत मूल्य से अधिक मूल्य लिया हुआ है, तो इन सब के अलावा भी यदि कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन और जीवन सुरक्षा से के लिए जोखिम पैदा करने वाली जो भी सामान वस्तु जनता को बेची जा रही हैं या जाती हैं, तो आप उसकी जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कौन शिकायत कर सकता है अगर हम इसकी बात करें तो उपभोक्ता स्वयं तो कर ही सकता है। उसके अलावा पंजीकरण अधिनियम 1860 और कंपनी अधिनियम 1951 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है, शिकायत उसके तहत तो कर सकता है। किसी संगठन के द्वारा भी, समिति के द्वारा भी करवा सकता है और स्वयं भी कर सकता है। शिकायत कहाँ पे करें, एक प्रश्न ये आता है उपभोक्ता के सामने, तो शिकायत कहाँ की जाए यह बात अगर हम देखें तो क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है ये बात। अगर राशि 20 लाख रुपए से कम है तो हम जिला फोरम में शिकायत करेंगे, यदि राशि 20 लाख रुपए से अधिक है या 1 करोड़ रुपए से कम है तो इसे हम राज्य आयोग के समक्ष ले जाएंगे इस केस को, और यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग नेशनल ट्रिब्यूनल्स में हम इसको शिकायत दर्ज कराएंगे। इसकी जो वेबसाइट है उसको अगर आप विजिट करें www.fcamin.nic.in, इसको भी जाके आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत का प्रोसेस जो है वो क्या है, उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत किसी भी एक सादे पेपर पे आप लिख कर कर सकते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ता और जो विपक्ष पार्टी है उस पार्टी का नाम, विवरण, पता आदि आप उसमें लिख दें और कहाँ हुआ इसका भी जिक्र करें, उसका पूरा विवरण दें। शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में अगर आपके पास दस्तावेज है तो उसको भी आप प्रस्तुत करें और उसमें किसी का सिग्नेचर करवाएं जो उसमें मीडिएटर का काम कर सके। इस प्रकार शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता इसमें नहीं होती। साथ ही इस कार्य पर नाम मात्र का कुछ थोड़ा सा न्यायालय शुल्क लिया जाता है। क्षतिपूर्ति के लिए जो व्यवस्था है वो है उपभोक्ताओं को प्रदाय सामान से खराबियां जो का खराबियां हटाना उसको और सामान को बदलना, जो डैमेज सामान उसको प्राप्त हुए हैं चुकाए गए मूल्य को वापस दिलाने के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है उसको। चोट आदि अगर लग गई है, उस सामान में कोई त्रुटि है, कमियां हैं, वो सब चीज़ों को सुविधाएं लेने के लिए, उसका क्षतिपूर्ति लेने के लिए हम न्यायालयवाद प्रदान कर राहत प्रदान की जाती है कस्टमर सबको। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के कुछ कानून हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अलावा हैं, जैसे उपभोक्ता के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी काम कर रहे हैं पैरेलल रूप से। भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 है, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 है, उपभोक्ता सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है, कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पादों के लिए यह अधिनियम है, ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन MRTP आयोग, उपभोक्ता सिविल कोड से संबंधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अधिनियम 1969 है, प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैंकिंग के लिए अधिनियम है 1970 का अधिनियम, सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान जो कि प्रमाण पत्र देता है अधिनियम 1952 है, खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम है 1954 का, जीवन बीमा अधिनियम 1956 है, ट्रेड एंड मर्केंटाइज माइक्रस अधिनियम है 1958 का, हायर परचेज अधिनियम 1972 का है, चीट फंड अधिनियम 1982 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं रेलवे अधिनियम 1982 है। तो अधिनियम है, इसके साथ ही भारतीय संविधान भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं जिसके तहत उपभोक्ता को संरक्षण प्राप्त है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की थोड़ी सी हम चर्चा करें
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी ना किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं या सेवाएं लेता है, क्रय करता है, ना वो उपभोक्ता उपभोक्ता अधिनियम 1986 ऐसा कह रहा है। क्रेता की अनुमति के से इन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करता भी उपयोग कर सकता है अगर जो परचेज करने वाला है वो अलाउ देता है तो संरक्षण द्वारा जो प्रदान की गई सुविधाएं हैं उपभोक्ता हित के लिए उस पर हमने आज थोड़ा सा प्रकाश डाला।